दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल स्पेशल एग्जामिनेशन 2019 के इंग्लिश 50 मार्क वाले का ऑब्जेक्टिव का आंसर यहां पर जानेंगे। ऊपर में आप देख भी सकते हैं यह सेट ई है, आपका कोई भी सेट हो उनसे कोई लेना देना है नहीं, सबका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। तो आपको इस क्वेश्चन के अनुसार मिलाते जाना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि रेस्ट जो सब्जेक्ट बचे हैं उनका भी ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको मिलता रहे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, पहले जो है ग्रामेटिकल पार्ट है, तो 15 ग्रामेटिकल पार्ट होता है, उसके बाद 10 जो होता है आपकी टेक्स्ट बुक से होता है। तो फर्स्ट है कि दो गर्ल्स डॉट डॉट इफ दे हैव नॉट बुकेड दो टिकट येट। तो यहाँ पर कह रहा है कि चूज द सूटेबल ऑप्शन, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी और आंसर होगा शुड हर्री। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर दो कि सुनीता डॉट डॉट शॉपिंग व्हेन आई सो हर। तो देखिए यहाँ पर जो डॉट डॉट है क्वेश्चन नंबर दो में, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा वाज, सुनीता वाज शॉपिंग व्हेन आई सो हर। तो इनका सही ऑप्शन आपको बी। अगला क्वेश्चन तीन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज कॉल ऑन। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा आक्स फॉर एन ओपिनियन। तो तीन का सही ऑप्शन आपको ए। देखिए मिलाना किस प्रकार से, तो आप देखिए कि आपका कोई भी सेट हो, अगर यह सेट है तो आप तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सीरियली मिलते जाएगा, लेकिन आपका दूसरा सेट हो तो मिलाना इस प्रकार से, जैसे हम बोले कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज कॉल ऑन, तो आप देखिए कि यह क्वेश्चन आपके किस नंबर में है, तो उस नंबर का क्वेश्चन पहले वीडियो को रोक करके ढूंढ लीजिए, फिर आप उसमें टिक मारिए, उसके बाद मिलान करके बताइए कि कितना आपने सही बनाया है। अगला क्वेश्चन है, इट इज डेंजरियस टू गो इंटू डीप वाटर इफ यू डोंट डोंट स्विम। तो चार का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा कुड नॉट। तो चार का सही ऑप्शन ए, आंसर हो गया कुड नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो यहाँ पर है कि वी आर मीटिंग डॉट डॉट लंच टाइम नेक्स्ट थर्सडे। तो इनका सही ऑप्शन पाँच का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा एट लंच टाइम। अगला क्वेश्चन है कि सीता लाफ्ड डॉट डॉट, यहाँ पर चूज द सूटेबल ऑप्शन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि टिक मारा हुआ है, इन पर नहीं चलना है, इसमें गलत टिक भी मारे गए हैं, तो यहाँ पर हम जो ऑप्शन हम बताएंगे उसको ही आपको ध्यान में रखना है। तो छः का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा लाउडली एल ओ यू डी एल वाई लाउडली। ये सीता लाफ्ड में क्या होगा लाउडली। अगला क्वेश्चन, ही वर्कड हार्ड, क्वेश्चन नंबर सात में देख रहे हैं ही फेल्ड। तो सात का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो सात का सही ऑप्शन आपको ए, यानी ही वर्क हार्ड, तो इसमें क्या होगा डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, इनका ए हो गया, आप मिलाते जाइए। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एवरेज का कौन सा जो है करेक्ट स्पेलिंग है, तो आठ का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा एवरेज, आठ का सही ऑप्शन सी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, यू आर कमिंग टू डॉट डॉट पार्टी नेक्स्ट सैटरडे। तो देखिए नौ का जो होगा सही ऑप्शन आपको वो होगा आपको डी नन, ये हो गया, आप मिलान करते चलिए। अगला क्वेश्चन है दस में, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्लाउ अप। तो अब देखिए दस का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा एक्सप्लोड, तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सी इज राइटिंग अ लेटर, तो चूज द सूटेबल पैसिव वॉइस। तो इनका सही ऑप्शन 11 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। तो इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन, दिस स्वेटर वाज गिवन टू मी बाय ए फ्रेंड। तो 12 का सही ऑप्शन आपको होगा
वो होगा आपको डी, आंसर होगा ए फ्रेंड गेव मी दिस स्वेटर। तो ये आपको हो गया, आप अपने क्वेश्चन के अनुसार मिलान करते चले। क्वेश्चन नंबर 13, ही हैज बीन डॉट डॉट लीव द लीव फॉर ए मंथ, चूज द सुटेबल ऑप्शन। तो 13 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा ग्रांटेड। 13 का सही ऑप्शन सी, आंसर हो गया ग्रांटेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सी गोट मैरिड डॉट डॉट सेप्टेम्बर। तो 14 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा इन, सी गोट मैरिड इन सेप्टेम्बर। तो इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला क्वेश्चन, प्लीज कीप दोज एप्पल्स डॉट डॉट द बाउल। तो 15 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा इन, ये हो गया। तो यहाँ पर हमने 15 ग्रामेटिकल ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया है, रेस्ट जो आपका टेक्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव का आंसर बचा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेक्स्ट बुक से पूरी तरह से मिलाने के बाद उनका भी ऑब्जेक्टिव रात 8 बजे जारी कर दिया जाएगा। आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर ले ताकि वे भी अपना ऑब्जेक्टिव को मिलान कर सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।